हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक वेक्टर में ऐड करके होस्ट में इंट्रोड्यूस किया था, अब हमारा ये सब कुछ करने का फाइनल पर्पस था इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कराना। तो होस्ट सेल के अंदर हमने डाला, होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगी, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगी, तो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट होगा उतने ही बार, और वो सारी जो कॉपीज बनेंगी वो एक्सप्रेस होगा प्रोटीन के फॉर्म में, हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इंसुलिन के लिए या किसी और हार्मोन के लिए या किसी भी तरह के प्रोटीन एंजाइम हमें फॉर्म करना था, तो वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर फॉर्म होंगी हमारे प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमने ये सारी कुछ प्रोसेस की थी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो प्रोटीन के फॉर्म में। ये सब कुछ हम एक स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं, लैब में कल्चर मीडियम में भी कर सकते हैं। हम जानते हैं हम ऑप्टिमम कंडीशंस दें अपने लैब सेटअप में और वहाँ पर हम उस बैक्टीरिया की उस होस्ट सेल को ग्रो कराएं, कल्चर कराएं और उसकी लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस होगा। तो ये तो स्मॉल स्केल की बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बहुत पूछा जाता है, इसको ऐसे समझ लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्या है आप जानते हो, वेक्टर में हमने अटैच किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसको पहुंचा दिया है होस्ट सेल के अंदर। तो जब वो रिकॉम्बिनेंट जीन यानी कि वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी होस्ट सेल में पहुंच गया है, तो जब होस्ट सेल में किसी दूसरी होस्ट में दूसरे हेटरोलॉगस ऑर्गेनिज्म में जाके वो एक्सप्रेस होगा तो उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन एनकोडिंग जीन। प्रोटीन को एनकोड करने वाला वो जो जीन है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाकर किसी दूसरे होस्ट में हेटरोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस होगा, तब उस प्रोटीन को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से स्मॉल स्केल कल्चर तो हम लैब में कर सकते हैं, पर अगर हमारा पर्पस है लार्ज स्केल प्रोडक्ट पाने का तो हमें डेफिनेटली इसको लार्ज स्केल में बनाना पड़ेगा। तो लार्ज स्केल में बनाने के लिए हम बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, बहुत 100 to 1000 liters की कैपेसिटी वाले बहुत बड़े बड़े से वेसल्स होते हैं जहाँ पर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, हम होस्ट सेल को जो भी बैक्टीरियल सेल है इसको डालेंगे इनोक्यूलम के तौर पे, थोड़े से बैक्टीरिया डालेंगे। इनोक्यूलम आप जानते हैं ना, जैसे दूध में दही बनाने के लिए थोड़ा सा इनोक्यूलम ऐड करते हैं तो फिर वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा सारा। तो यहाँ हमने न्यूट्रिशन मीडियम डाला है और हमने बैक्टीरिया डाल दिए, हमने सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दी, पीएच टेम्परेचर सारा कुछ रेगुलेट करके रखा है जिससे कि बैक्टीरिया ऑप्टिमम ग्रोथ शो करें वहाँ पर और खूब सारा वो रेप्लिकेट करें और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो उससे। तो यहाँ पर हम सारी डिज़ायर्ड कंडीशन देंगे, हम वहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, पीएच है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन सप्लाई है, सॉल्ट सबस्ट्रेट विटामिन सब कुछ वहाँ पर सप्लाई करेंगे। ठीक है, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है, आप जानते हो जब भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो क्या होता है, लार्ज न्यूट्रिशन वहाँ पर यूटिलाइज करते हुए बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक ही जगह पर तो वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करने लगते हैं या फिर उनके बीच में इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी होने लगता है, तो आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से मरने लगते हैं। तो एक बार आपने ग्रोथ रेट पढ़ा था 11th क्लास में, तो शुरू में थोड़ा स्लो है फिर एकदम से फास्ट होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद ग्रोथ में एक तरह का डाउनफॉल आएगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से, कॉम्पिटिशन की वजह से बैक्टीरिया मरने लग जाएंगे। तो पहले तो बनेंगे बहुत सारे, फिर वो ग्रोथ उनकी डाउनफॉल होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया मर रहे हैं उसको हटा लें, यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन एक जगह पर रिलीज हो रहा है तो बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दें, एक ही जगह पर एक्यूमुलेट ना होने दें। दूसरी चीज़, बने हुए प्रोडक्ट और थोड़े से बैक्टीरिया को हम एक आउटलेट से निकालते जाएं। तो अगर हम उस में फ्रेश मीडियम बराबर ऐड करते रहें, पहले दिए हुए न्यूट्रिशन को पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाने का इंतज़ार ना करें, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मीडियम बार बार ऐड करते रहें, फ्रेश मीडियम और थोड़ा सा बना हुआ प्रोडक्ट और बैक्टीरिया वहाँ से निकालते रहें,
तो क्या होगा, वहाँ पर टॉक्सिन्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, बैक्टीरिया को भी स्प्रेड करते रहे हम इम्पेलर से, फैन से उसको रोटेट कर दें, स्प्रेड कर दें बैक्टीरिया को, तो हमें बैक्टीरिया की बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, हमको वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज मिलेगा ग्रोथ का बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया वहाँ पर हमको फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज में मिलेंगे, लॉजिस्टिक फेज में मिलेंगे या एक्सपोनेंशियल फेज में मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ ऐसे ही दी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है प्रॉपरली, तो इस तरह से है ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब हमने लार्ज बड़े बड़े वेसल्स ले लिए हैं बायोरिएक्टर्स, दो तरह के बायोरिएक्टर्स आपको पढ़ने हैं जहाँ पर हम प्रोटीन बनाएंगे, ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और हमारी डिज़ायरेबल प्रोटीन बना कर देंगे। तो दो तरह के मेनली पढ़ने हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पैर्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल स्टर्ड, स्टीयरिंग जानते हो ना, अभी स्टर करते हैं ना, घुमाते रहते हैं, हिलाते हैं घुमाते हैं, सो दैट की सारी मिक्सिंग हो जाए। यहाँ पर स्टीयरिंग के लिए क्या लगे हैं, यहाँ पर फैन के जैसे इम्पेलर्स, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर्स लगे हुए हैं जिससे पूरे में मिक्सिंग होती रहेगी, ये घूमता रहेगा। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, वो मिक्स पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे इक्वली, तो एक जगह पर ही टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, सारे में मिक्सिंग करेंगे हम। यहाँ पर जब बैक्टीरिया एक्टिविटी करते हैं ना, तो कुछ फोम रिलीज होता है, झाग जैसा ऊपर बन जाता है, तो फोम ब्रेकर लगाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, पीएच बैलेंस के लिए हम पीएच कंट्रोल लगाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बराबर करते रहते हैं और बने हुए प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा निकालते भी रहते हैं ताकि अंदर टॉक्सिन्स ना रहें। तो यहाँ पर इस तरह से हम सारे ऑप्टिमम कंडीशंस देते हैं, स्टराइल एयर भी डालते जाते हैं ताकि कोई और कंटेमिनेशन यहाँ पर ना आ जाए। स्टार्टिंग में हमने देखे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो दो टूल्स थे वो यही था, जेनेटिकली मॉडिफाई कर पाना इसको, जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करना और साथ में स्टराइल एम्बियंस बनाना। तो यहाँ पर स्टराइल एम्बियंस बनाते हुए हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंटेन करने वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, उस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे और फिर हम इससे प्रोडक्ट ऑप्टेन करेंगे। तो ये है सिंपल स्टर्ड टैंक, सिंपल स्टेयरिंग हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा एक दूसरा इम्पॉर्टेंट है स्पैज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पैज्ड स्टर्ड स्टेयरिंग यहाँ भी हो रही है, घुमा रहे हैं हिला रहे हैं, पर यहाँ पर हम किसी इम्पेलर से नहीं हिला रहे हैं, यहाँ स्पैज्ड, स्पैज्ड वर्ड का मीनिंग होता है स्प्रिंकल। आप वैसा एज्यूम कर लो, जब आप पानी की रॉड डाल के पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, वहाँ पर बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, पूरे पानी में प्रॉपर मिक्सिंग होती है, पूरा पानी इक्वली गर्म होता है, वैसा ही एज्यूम कर लो। यहाँ पर देखो इफ्लुएंट डाला जा रहा है और यहाँ पर हम ब्लोअर से एयर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से एयर बबल्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बबल्स से क्या होता है, बबल्स यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए, तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया है ताकि ऑक्सीजन इजीली ट्रांसफ़र हो सके, और ये बबल्स के फॉर्म में इस तरीके से, आप इससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, मतलब क्या है। स्पैज्ड टैंक, स्पैज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ये, और यहाँ पर गैस एंट्रेनमेंट हो रहा है, बराबर सप्लाई इस तरह से हो रही है और ये बबल्स जो हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इनके डायग्राम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका बबल्स का क्या पर्पस है ये पूछा जाता है। तो ये है बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ने प्रोटीन फॉर्म कर ली है, उस प्रोटीन को कैसे हम सेपरेट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक नंबर में सिंपल सी डेफिनेशन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का हमारा मेन एम था बनाने का वो बन गया है, उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर पाना, ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो भी प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, उसमें काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, अगर स्पेशली ड्रग्स या वैक्सीन का केस है तो वहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है हमारे हर प्रोडक्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। थैंक यू।